हेलो फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ कंटेनिंग फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। आज हम पढ़ेंगे बेटा सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। राउल्स ला फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये बताता है बेटा राउल्स लॉ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउल्स ये बेटा ये लॉ कहता है कि द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ। ये क्या कर कैसे ये क्या हो सकता है, लेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या पीएस ऑफ तो जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, P₀ - PS। ऐसा क्यों बेटा, सुनो, क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है तो वेपर ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, और वेपर बनेंगे तो बेटा वेपर्स क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, दैट विल बी वेपर प्रेशर। अगर बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बना दिया, देखिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बना दिया तो क्या करेगा, जो सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट के बीच बीच जाके क्या करेगा, स्पेस को ब्लॉक कर देगा, मीन्स जो वेपराइजेशन की प्रोसेस है उसको क्या करेगा, स्लो कर देगा। तो यहां तो क्लियर है बेटा किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, जिसमें वेपर ज्यादा बनेगा, सॉल्वेंट में ज्यादा बनेगा, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, P₀ - PS। अब ये रूल क्या कहता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो यहां पे बेटा अगर रिलेटिव लोअरिंग कर दे तो रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू P₀ - PS / P₀, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये क्या बन जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P₀ - PS / P₀ इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। EXV की वैल्यू क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। EXV की वैल्यू क्या होगी, EXV सबसे पहले NV/NA+NB, इधर कंप्लीट कर दे इसको, NBA डिवाइडेड बाय NA+NB। NB कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा,
नंबर ऑफ मोल्स, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, अगेन डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी एन ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस एन बी की वैल्यू डब्ल्यू बी बाई एम बी। फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन एम बी क्या हो, वेरी वेरी लेस देन एन ए, सो नेग्लेक्टिंग एन बी इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से नेग्लेक्ट करने के बाद जब वो भी नेग्लेक्ट कर देंगे तो बनेगा क्या, पी नॉट माइनस पी एस इंटू पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए, वेयर ये क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू ये एम ए है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या करती है, नंबर पर डिपेंड करती है सोल्यूट पार्टिकल्स के, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। नंबर पे डिपेंड करती मतलब कितना ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स या मोल्स मिला रहे हैं, ये डिपेंड नहीं करती किस कलर का उसमें काला मिला रहे हैं, गोरा मिला रहे हैं या पिंक मिला रहे हैं, इस पे उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थैंक यू।